नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु म जिनमे प्रथमे हेडलाइंस महाशिवरात्रि रे बड़ अघटन यूपी आगरा इटमादपुर रे ट्रक स्कॉर्पियो महामारी धक्का आठ मृत चारि गुरुतर निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती जंगल रे निया लगाई जड़े शिकारी गिरफ सिमिलीपाल पोड़डीहा रेंज रे निया लगाउथिबा बेले धरा पड़ा सात किलो झिंक मांस देशी बंदूक एवं कुराड़ी जबत केन्द्र लिभाइब सिमिलीपाल निया आज ओडिशा आसुछंती नुआ विशेषज्ञ टीम बीजेपी टीम को भेटवा परे जावेदकर को आक्शन सेपटे कुआपथर वर्षा आणला सामान्य आश्वस्ति बुलेट उपर चढ़ीगला हाइवा जड़े मृत जड़े गुरुतर खोर्धा षोल नंबर जातीय राजपथ निकटे मर्मंतुत दुर्घटना सेपटे केन्द्रापड़ा तरड़ीपाल हाइवा सह ट्राक्टर धक्का जड़े मृत रास्ता उपर ठिया होता बस को जाड़ीदे चांदबाली बांसड़ा फेरीघाट निकटे दुर्वृत्तों उन्मुक्त कांड अल्पक्ष बर्तिले चालक हेल्प आज पवित्र महाशिवरात्रि चलचंचल विभिन्न शैवपीठ कोविड कटकणे जागर पालन लिंगराज मंदिर बेढ़ दीप जापारे भक्त उत्सव मुखर धवलेश्वर पीठ आरणी में 144 धारा शेष तातीर मिल सामान्य आश्वस्ति आसंता चारिदिन पर्यंत उत्तर दक्षिण ओडिशा रे हालुका वर्षा संभावना घड़घड़ी सह होइपारे कुआपथर माड़ संपूर्ण खबर महाशिवरात्रि बा जागर रे सकाळु सकाळु बड़ अघटना उत्तर प्रदेश रो आगरा अंतर्गत इटमादपुर अंचल गोटे ट्रक स्कॉर्पियो मध्यरे मुहांमुही धक्का होइछे आठ जन लोकंकर मृत्यु घटीथिबा बले चारि जन गुरुतर आहत होइछन्ते सेमानंकु निकटस्थ हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि जंगल रे निया लगाई जड़े शिकारी गिरफ सिमिलीपाल पोड़डीहा रेंज रे निया लगाउथिला शिकारी एही समय रे शिकारी को धरिथिला वन विभाग गिरफ शिकारी अंतरा सिंह शिकारी निकटरु सात किलो झिंक मांस गोटे देशी बंदूक एवं कुराड़ी जबत होइछि बे संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष कुमार बांचनी संतोष ये जो शिकारी वास्तविक ये क्यों परिस्थिति रे एवं किभली न्याय लगाउथिला एवं किभली भाव रे वन विभाग पाखरे खबर पहुंचला देखो तो वर्तमान जेहेतु सिमिलीपाल निया लगी किछि दिन हला तो निया तो दुई सप्ताह हला रो अधिक दिन धरके लगी रहिलानी तथापि एबे तो वन विभाग अधिकारी माने कि कर्मचारी माने टिके एक्टिव हो जाइछन्ति जाकि वन विभाग संपूर्ण भाव में सिमिलीपाल को पूरा जगि रही को आयत करने चेष्टा चलती परिप्रेक्षी में गतकाल रात जन शिकारी को गिरफ्त करते जहाँकि स्पष्ट कर शिकारी जनक तो जंगल निया लगाउथिला बेले आम गिरफ्त करे कि शिकारी जनक सात किलो मांस माने झिंक मांस जबत करछन्ति गोटे देशी बंदूक जबत करछन्ति आ गोटे कुराड़ी जबत करछन्ति जहाँकि वन विभाग कहूँ तो वन विभाग एवं जहाँ आम जाना पाऊँ तो वन विभाग कहूँ ये शिकारी जनक जंगल निया लगाउथिले तो सब बेले तो क्या दोषारोप कर निया लगाउछन्ति बोली वन विभाग दोषारोप करुछि किंतु शिकारी जनक यहाँ खंडन करछन्ति चिन्मय तेबे संतोष एठी आश्चर्य कथा जिते बड़े एत सब वन विभाग टीम रही ओडराफ टीम एनडीआरएफ टीम समस्ते वर्तमान निलिभा कार्य नियोजित अच्छा पखापाखि 15 दिन हो गला जो भाव में जंगल गुड़िका लगुच थमार ना धरूनी या भितर आपण को लगुच कौन शिकारी पुणी थे निगेबापी जाइपे कि ना एटा तो निश्चित भाव में समस्त को आश्चर्य करमय कारण वर्तमान जो प्रकार समस्त जानते सी शिक्षित हूँ कि अशिक्षित हूँ कि तो जहाँ भी हूँ ना कहीं वर्तमान साधारण लोक जंगल भितर को पशिया आदू साहस करूना किंतु यही परिप्रेक्षी में कमी जो शिकारी
ପୁଣି ଯାଇକିରି ନିଆଁ ଲଗଉଥିଲା ଏବଂ ଝିଙ୍କ ମାଂସ ଅଛି ଝିଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥିଲା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ କଡ଼ରେ ରହିଛୁ, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି ଝୁଣା ପତ୍ର କି ବହୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଶିକାର ଜଣଙ୍କ ଗଲା କେମିତି ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଲିଭାଇବ ଶିମିଳିପାଳ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଦଳ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦକରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେପିର 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ବି ଶିମିଳିପାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 24 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ହାବିଲଦାର ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବରେହି ପାଣିର ହଳଦିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲିଭାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଶିମିଳିପାଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହଁ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତ ବୁଝିବା ବୁଝିବା ନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବିରୋଧ ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେମିତି ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଏମାନେ ସେମିତିକି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିକରି ମିଟିଂ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅବୁଝା ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଗଛକୁ ଗଛ ନିଆଁ ଘସିଲେ ନିଆଁ ବାହାରେ ସେମିତି। ସେଭଳିଆ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲାଗିକି ସେଭଳି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରୁ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଆଁ ତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପାଖାପାଖି ରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲା କଟ, ଆଜି ବର୍ଷା ପରେ ନିଆଁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲିଭାଇଛୁ ମିଶିକରି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ, SHG ଗ୍ରୁପ କିମ୍ବା ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେମାନେ ସେପଟେ ଲିଭାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏପଟେ ଲିଭାଉଥିଲେ, ସେମିତି ହେଇକରି ଲିଭାଇ ସାରିଥିଲୁ। ତ ତଥାପି ଫେର ଆଉ ଥରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଲାଗିଥିଲା। ତ କିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭି ଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ନିହାତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ବରେପାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ୁସ୍କିଠାରେ ଯେଉଁ ହାଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ବି କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛୁ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ତେବେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଶୈବ ପୀଠ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ଅଛନ୍ତି। କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପଲ୍ଲୀଠୁ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ସମସ୍ତ ଶିବାଳୟ। ଶିବାଳୟରେ ଯଦି କହିବା ସବୁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବୁଲିଲୁଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିକାର ଯଦି କହିବା ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷ ଏବଂ
पूजा कमिटी जो माने अछंती से माने मध्य मिसिकी गोटे व्यवस्था करा जाइछि। ता सहित भक्त माने आसुछंती पूजा अर्चना करुछंती धाड़ी रे रहिछंती किछि भक्तंकर मध्य प्रतिक्रिया नेबा। आज्ञा मैडम महाशिवरात्रि शुभेच्छा आपणको, तो कौन कह चाहिए कि पूजा कर लाइन में मास्क पिंधे सामाजिक दूरता मानुं पूजा करेंगे कमी लगे भल लगुच लाइन में जाऊँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो भल लगुच से सब ठीक से चलती सब भिन्न ये बर्षर शिवरात्रि निश्चित तो, हाँ कहीं मास्क पिंधिकी पूजा करेंगे जो समूह दीपदान करें पर लोकों सहित बसिक पूजा करें कमी गोटे सब भिन्न भिन्न लगुनि भिन्न लगुच जो रोगटा होती जो मेन्टेन कर भल लगुच प्रशासन पक्ष निष्पत्ति दूर बहुत मानते बहुत भल पूरा ठीक जो निष्पत्ति भल लगुच चलते ठीक ठाक भाव में प्रशासन पक्षर जहाँ भी निष्पत्ति निजी समूह दीपदान करना जो मंदिर गर्भद्वार जोटा रही से मध्य प्रवेश करा बाहर ही पूजा करूजा करने भक्त मान ब्यारिकेड प्रस्तुत करारिकेड भितर जी पूजा करेंगे पुणि थे फेर ता सहित जो भक्त मैंने रही कह कथा कोविड भितर ही आमको बचार अच्छी आमको तारी भर ही पूजा अर्चना करवा जिते जहाँ भी होम को मानिकी आमको पूजा अर्चना कर भगवान को दर्शन करार अच्छे दर्शन करवास रही भंग करेंगे ता सहित जमती नियम अनुसार सबकि मानवाक पड़ आज कौन कह पूजा कर आसम भितर सबकि कोविड कटक भीवन बढ़ किसी नहीं एक्चुअली तो कोविड तो सब गाइडलाइंस फॉलो जहाँ भी सही सारे ठाकुर मंदिर खोली आगे तो खोल ना भी खुशी लगुच खोलला ठाकुर जगह तो प्रति वर्ष नहीं मझे पालन करते पुणी छाड़ी दे पुणी फर्स्ट टाइम पालन करुच एक्साइटमेंट निहाती भाव में कहीं उपवास रुहंती उपवास जिते दीप उठा जाए दीप उठला परे उजागर जहाँ उपवास रही थाए भंग करती भक्त मैंने चिन्मय निश्चिंत भाव में कविता जो दृश्य आप देखते अति सुंदर दृश्य जेहेतु पूर्वर कोविड कटक भितर समस्त मंदिर बंद थी कौटी ना कौटी समस्त आशा आशंका रही है जे पुणी थे हे तो सरकार कौटी कटक लगे जदिव पूरा निषेध कर दिखते आज दिनपी जो भाव में जी देखा 144 धारा जी देखा आखंडमणि पीठ में लगी जदि कराए समस्त आशा आशंकर रही पूजा अर्चना कितु जहा हौ सरकार गोटे भल निष्पत्ति या भितर कोविड जदि अच्छी ता भितर मध्य समस्त को पूजा अर्चना मध्य करबा को पड़िबा ता भितर बंचबा को पड़िबा सेते पई कोविड रो गाइडलाइन मानी समस्त आज पूजा करबा पई मंदिर परिसर रे पहुंची जंती। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपनकर समस्त सूचना पई आपन देखुतिले जे भुवनेश्वर रो केदार गौरी मंदिर परिसर रो दृश्य एवं सकाळु मध्य आमे अनेक राजधानी रो सब शैवपीठ देखैछु एवं सबटु सुंदर कथा होउछि जे कोविड कटकणा भितरे गाइडलाइन सहित केवल श्रृंखलित भाबरे वर्तमान शैवपीठ गुडी कर प्रभुंकर पूजा अर्चना चलीछि। ते वर्तमान जिबा भद्रक को एवं भद्रक रे प्रतिनिधि दीप्ति रंजन साहू जोड़ी होती आम सहित आरोड़ी पीठ रु दीप्ति वर्तमान आरोड़ी पीठ दृश्य कौन निश्चित भाव चिन्मय आपंक महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा सह आम अगणित दर्शक मानक अगणित दर्शक मानक महाशिवरात्रि शुभेच्छा बर्तमान मुझ आरडी पीठ रु आप देखिपुर थे सीधा सड़क चित्र भी देखे पारि आज महाशिवरात्रि ये आरडी पीठ ए चलचंचल हो उठी तेज संपूर्ण भाव में प्रत वर्ष भरी जनगहली लगे ना कि कोरोना कटक ए बर्ष किसी ना मात्र कोहल कर निष्पत्ति आशा आशंकर समस्ते श्रद्धालु मैंने रही बेले किंतु गत काली जिला प्रशासन यही अंचल को 144 धारा जारी करा जाइतला एवं गत काली आसंता काली पर्यंत भी लागि रहइबो 144 धारा तबे संपूर्ण भाव जिला प्रशासन पक्ष एक निष्पत्ति निया पाखपाख आखपाख चारोटी पंचायतर लोक मैंने आसिक दर्शन करें बाबा से पंचायतर लोक मैंने बेस आनंदित उल्लासित अच्छा आम पाखर नना अच्छा पचार बुझा कौन रही रीतनीति अनुसार किभली भाव में पूजा अर्चना चलुची कौन सका एपर्तंत कौन को नीतिकांति अनुसार पूजा चली आम सीधा सड़क नना पूजा कतर प्रतिक्रिया ना नना कौन कहे बर्तमान जो महाशिवरात्रि उपलक्षे बाबा आखंडमणि कौन रीतनीति अनुसार पूजा चली कौन आगे अच्छी रीतनीति अनुसार पूजा अर्चना हो नम शिवाय वंदे देव महापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पर्णक भूषण मृगधर वंदे परशुराम पति
वंदे सूर्य शशांक बंधी नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना सहंस वरदम वंदे शिवम शंकर शिव ओडिशार जिते महादेव मंदिर अच्छी ता दूर आखंडमणि मंदिर है अन्यतम ये जो घर्षण जो कुंड पादुक अच्छी ये हूँ सारा ओडिशार मोहषधि जो पादुक पाई रोगी मैंने भल हूँ अच्छा जो शिवरात्रि कथा कहते आमर वर्षक बार मस भर चारोटी रात्रि थाए गोटे ओहरात्रि मोहरात्रि कालरात्रि शिवरात्रि जो शिवरात्रि की आज भक्त मैंने पूजा को आसण दीपटे दे ये संसार जिते दुख वेत कष्ट शरीर जिते बाधा विघ्न जहाँ कि अच्छी बाबा मणि पाखक आसिकी दीपटे जाली निजर दुख निजर मनस्कामना पूर्ण पाई भक्त मैंने आसी था किंतु ये कोविड लाइन पाई आज सारा ओडिशार लोक अन ये मीडिया भाई मैंने आसवर फटर बस देखिए बाबाणी की आसिक पारे ना आज्ञा आमर राति तीन टू साढ़े तीन टाइम पड़ खोल पड़ खोलला आरती हम आरती पर महास्नान हम महास्नान पर रजा घर्षण हम रजा घर्षण सरला सेवायत मानक मऊ तापर अन्न्य जज मान भोग हुए प्रथम नौटा बेले महास्नान आरंभ हे निश्चित भाव में चिन्मयी आप देखिपे कहीं वर्तमान सुधा जहाँ रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना चलुच्छी किसी भक्त भी आसुच्च आप देखिपे वर्तमान आरड़ी में किपर भाव में धीरे धीरे जो आखपाख जो पंचायत जो भक्त मैंने अच्छा निहाती भाव में सी बाबा दर्शन करुँ आशीर्वाद लाभ करे आम पाखे जो सरपंच अच्छा स्थानीय सरपंच अच्छा पचारि बुझा आज्ञा कौन कहे जो निष्पत्ति जे आप 144 धारा जारी कराइला और बाबामणि को दर्शन करें जिला प्रशासन जो गाइडलाइन करते तो वर्तमान जो प्रशासन पुणी कल मध्यरात निष्पत्ति नहीं कि देखुं आप प्रशासन पक्ष कि प्रशासन तरफ कोविड कटका भद्रक जिला जेहेतु गोटे कोविड प्रवण अंचल सेकेंड राउंड रही तेणु प्रशासन ट्राइट कराइला 100 पट्टी पर काली राति 9 सुधा ओडिशार प्राय समस्त शैव मंदिर खोलियापी सरकार निर्देश देलापर धवलेश्वर आरड़ी आखणी मंदिर को अवहेला कर तेणु या विरुद्ध प्रशासन विरुद्ध जा सेवायत मान तरफ एक मंदिर प्रांगण में एक सभा अनुषित उक्त सभार सेवायत तरफ आम स्थिर कराला आम मंदिर को कौन सहयोग साहय करू नहीं मंदिर एवं नीति नीति नियम अनुसार किसी कार्यक्रम करूँ बंद करमु तेणु माननीय जिलापा उपजिलापा एडीएम विडीओ तहसिल पठाई आरडी सेवायत मान आलोचना कर रात तीन टू आस पहुँचे आलोचना कर रात भोर 6 साढ़े 5 6 भितर समाधान कर चारिगोटी पंचायत आरड़ी जो गुड़ा बारपड़ा ठाकुर आगुरी बारपड़ा ठाकुर था जो मैंने बारपड़ा बोले बारगोटी गाँ पड़ा पाखापा अंचल अच्छी नहीं ठाकुर निश्चित भाव में चिन्मय आप शुपे स्थानीय प्रतिनिधि भी सी बे आनंद उल्लासित अच्छा जहाँ तो जिला प्रशासन बारण कर तेज संपूर्ण भाव जो गत काली मध्यरात्रि चारोटी जो पंचायत रही आखपाख से लोक मैंने आसिक दर्शन करेंगे बाबा दर्शन से माने भी आनंद उल्लासित अच्छा आम पाखे स्थानीय किसी आ श्रद्धा माँ कौट आसती दर्शन कल आज बाबा लगुच्छे एवर्ष बहुत खुशी लगुच ठाकुर दर्शन नक आम अंचल घर आम यदि दर्शन न करू के मन दुख हम आई मन दुखर थी आोर शुणिलु ठाकुर दर्शन मिल से आसिलु ठाकुर दर्शन कलु बहुत खुशी लगुच ठाकुर दर्शन कलु पुणी भाग्यर थे पुणी बर्षे हौ ठाकुर निश्चित भाव में आप सीधा सड़क चित्र भी चिन्मय देखिपे कहीं जो भाव विहू रही भक्त और भगवान जो भाव भाग भाग रही निहत भाव में कौटिना कौटी निहत भाव में लोक आज कि श्रद्धा अच्छा पचार आज आज जो भगवान को दर्शन कले कमी लगुच खुशी लगुच कौन विश्वास तो अच्छी भल लगे आसिक आपण कहतु कौट आसी बाबा दर्शन कले भल लगुच भल लगुच भल आचरा ना मन उपर पूरा विश्वास पूरा भल लगुच से आम दर्शन करने आदरपुर आज
निश्चित भाव चिन्मय आप देखिपे कहीं जो भगवान एवं जो भक्तर जो भाग रही निहाती भाव में कौड़ी ना कौड़ी लोक मान आशा आशंकर थे कि बर्तमान जिला प्रशासन जो मध्यरात्रि जो चारोट आखपाख पंचायत जो आरड़ी आरड़ी लगिकी जो चारोट आखपाख पंचायत लोक मैंने आसीपार बाबा दर्शन करवा आशीर्वाद भिक्षा लाभ करते बेस आनंद और उल्लासित अच्छा तेरे जी मु प्रशासन तरफ किपर भाव व्यवस्था करी मुझे कह चाहिए चिन्मयी जिला पुलिस प्रशासन पक्ष आठ प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर आडिशनाल एसपी समेत एसडीपीओ एवं दुईज सब इन्स्पेक्टर सहित तेरह जन एसआई एवं चौबीस जन हाबिलदार जो रही मृतयन कर जिला प्रशासन पक्ष पानी जल कतु आरंभ कर समस्त प्रकार व्यवस्था कर तेरे संपूर्ण भाव में देखिपुर जो आखपाख जो लोक मैंने रही निहतर आसुच्चर कुनि कुनि पिला भी नहीं कि आसने बेस ठाकुर दर्शन कर आनंद उल्लासित अच्छा कौन कहे केट भल लगुच आम कईलेखा पाखर आम घर आज्ञा बहुत भल लगुच बाबा स्थान को आई भाया शांति बहुत भल से नई भी भल लगे बहुत भाव बाबा दर्शन कर चिन्मय आप देखिपे जो भक्त मैंने सब जो श्रद्धा मैंने जो रही निजर परिचय पत्र एवं परिचय पत्र देखेला मंदिर को भितर को जा दर्शन करवा चिन्मय निश्चित भाव दीप्ति जेहेतु प्रशासन जहाँ निर्देश रही आखपाख अंचल जो पांचटी पंचायत रोक मैंने आसीपर एवं आरड़ी पीठ से भगवान को दर्शन करेंगे से वर्तमान परिचय पत्र से परिचय पत्र आवश्यक पड़ू तेज दीप्ति बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पर देखुले भद्रक आरड़ी पीठ रु चित्र जो भाव में आरड़ी पीठ को प्रशासन व जिला प्रशासन सेठे 144 धारा जारी करता किंतु कौटी जदि देखा से स्थानीय लोक मंदिर प्रशासन समस्ते जिद्रे अटल थे जदि एठार भक्त को अलाउ करान जाए भक्त दर्शन जदि न हुए तो भगवान नीतिकांति सबकि बंद रही जहाँफल जिला प्रशासन गत काली एने की आलोचना करते समय नहीं थे जो निर्देश देते जहाँ से निर्देश रही आखपाखर जो पांचटी पंचायत रही चारि पांचटी पंचायत लोक मैंने वर्तमान आरड़ी पीठ को आसुच्चे भगवान को दर्शन करुंखलित भाव में पूजा अर्चना चली सांगे से परिचय पत्र आवश्यक पड़ू कारण आखपाख अंचल लोक मान केवल सेठे वर्तमान सुधा अलाउ कर तेज बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आप समस्त सूचना पर। समस्त अच्छी बुलेटिन को ये रखुछ नमस्कार।